हेलो स्टूडेंट वेलकम यू ऑल टू अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट स्टडी इंडिया माय सेल्फ सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास टेंथ बायोलॉजी का बहुत ही एक ब्रॉड चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस हालांकि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं जैसे हमारे न्यूट्रिशन के बारे में क्या हुआ हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक को कैसे क्लासीफाई किया गया ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है ठीक और आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे क्या हमारे जो भी बेसिकली लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीजें वहां पे हमने ग्लूकोज के पाथवे को देखा था आज हम करेंसी ऑफ एनर्जी एनर्जी की करेंसी क्या है किसी को पता है इन्हीं को हम बोलते हैं ए हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है ए से आज हम उनके बारे में यानी जो भी स, आपने रेस्पिरेशन में हमने दो चीजें बताई थी ब्रीथिंग होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तभी तो हमें एनर्जी मिलती है ब्रीथिंग अगर हम नॉर्मली सिर्फ सांस ले रहे हैं तो बेसिकली हमें कहा एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन यानी हमारे फूड मॉलिक्यूल्स जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होकर एनर्जी का रिलीज करते हैं एनर्जी तब हमें प्रोवाइड होती है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन ठीक है इज़ इमिडिएटली यूज टू सिंथिसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ए टी पी हमारा ए टी पी ही कहलाता है क्या करेंसी ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज टू फ्यूल एंड अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल ठीक है ए टी पी बेसिकली आप कहीं भी मार्केट में जाओ करेंसी दोगे रुपीज़ दोगे तब तो हमें चीज़ें मिलेंगी तो यहाँ पे अगर हमें बॉडी में काम कराना है बॉडी वाले जितने भी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं या एक्सटर्नली कोई भी पार्ट है हमारे हाथ पैर जो भी हैं उन्हें अगर काम कराना है तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी पैसा तो देना पड़ेगा फ्री में तो करेंगे नहीं तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा हमारा ए यानी पैसे के रूप में हमें देना क्या पड़ेगा उन्हें ए ठीक है ए इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी ड्राइव द इंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है इंडो का मतलब इनसाइड थर्मिक का मतलब हीट ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो हीट अंदर की तरफ जा रहा हो उसे हम कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक है तो बेसिकली आप जब भी कोई काम करते हो बॉडी में हीट जनरेट होती है तो ये रिएक्शन कैसी हो गई एंडोथर्मिक ठीक है तो एटीपी के बारे में आपने क्या पढ़ा एटीपी जो है वो मिला कहां से? करा सकते हैं दूसरा क्या है कि ये एटीपी डाउन होता है और फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी को प्रोवाइड करता है लेकिन कौन सी रिएक्शन के साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन ये बेसिकली बात है आपकी एटीपी की नेक्स्ट है हमारा वाई द रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक कॉमन सा क्वेश्चन है एक्वेटिक ऑर्गनिज आपके घर में अगर एक्वेरियम होगा एक्वेरियम में फिशर्स होंगी ठीक है कभी उनको ध्यान से आराम से बिल्कुल सुकून के साथ बैठ के कामली फीस पीसफुली अब उनको देखना ऑब्जर्व करना उनकी जो ब्रीथिंग की रेट है वो हमसे ज़्यादा होगी यानी उनकी ब्रीथिंग की रेट हमसे ज़्यादा फास्ट होगी ऐसा क्यों होता है आप किसी भी एक्वेटिक ऑर्गन को देख लो उनकी जो ब्रीथिंग रेट है वो हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा होता है ऐसा होता क्यों है बेसिकली उनको भी ब्रीथ भले ही हमारे पास लंग्स हैं उनके पास गिल्स प्रेजेंट है ठीक है लेकिन ऑक्सीजन उन्हें भी चाहिए ऑक्सीजन हमें भी चाहिए क्योंकि दोनों ही क्या है पहले तो एनिमल्स के सेंस में प्लांट तो है नहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे ऑक्सीजन को बाहर देंगे नहीं हम बेसिकली एनिमल्स की कंडीशन की बात कर रहे हैं प्लांट को तो आप सांस लेते देख भी नहीं सकते तो यहां पे क्या होगा ये मेन जो इसका रीजन है वो क्या है कि जो भी पानी है उस पानी पानी का फॉर्मूला क्या है एस टू पानी में क्या है डिजॉल्व होता है अब अगर एक्वेरियम इतना बड़ा है तो इतने रेंज में जो ऑक्सीजन होगा सिर्फ उनको वही मिल पाएगा तो सी बात है एक बार में सफिशेंट ऑक्सीजन तो जाएगा नहीं इसलिए उनकी ब्रीथिंग की जो रेट होती है वो फास्ट होती है और हमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आराम से अवेलेबल होता है इसीलिए जब हम कभी हिली एरियाज पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हमें फील होती है ठीक है आप जब भी कभी पास्ट में या अभी रिसेंट में कभी किसी हिली एरिया पर जाओ वहाँ पर जो आपको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनके लिए बीच बीच में जैसे आप जम्मू चले जाओ वैष्णो देवी वगैरह चले जाओ वहाँ पे क्या होता है बीच बीच में आपके कैंप लगे हैं कि कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो इन मतलब इमीडिएटली उसका इलाज किया जा सके ऐसा होता क्यों है क्योंकि एटमोस जैसे आप हिली रीजन पे जाओगे क्या होगा एटमॉस्फ़ेरिक प्रेशर कम होता जाएगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन का डिजॉल्वेशन भी कम हो जाता है और यही कंडीशन है हमारी एक्वेटिक लाइफ जो भी है उनके अंदर इतने ही बड़े में जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे वही डिसॉल्व होंगे यानी उनको डिसॉल्व ऑक्सीजन को ही इनटेक करना है जबकि हमारे लिए क्या है पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है ठीक है एटमॉस्फेयर में गैसेस एक से दूसरी जगह फ्लो करती रहती है तो यही कारण है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ब्रीथिंग रेट क्या होती है रिस्पायरेशन रेट क्या होती है हाई होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ठीक है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो ठीक है हमने ग्लूकोज का पाथवे बनाया था उस पर हमने एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन दोनों ही बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया लैक्टिक एसिड का जब प्रोडक्शन हुआ है या हमारे मसल्स में जो लैक्टिक एसिड बने वो किस सेंस में बने हैं या इथेनॉल का फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ था वो एरोबिक रेस्पिरेशन था या एनारोबिक रेस्पिरेशन था तो आज हम जानेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है एग्जाम में काफी बार रिपीटेड वे में पूछा गया है तो अच्छे से आराम से चीजों को पढ़ना है एक तो डिफरेंस यही हो गया द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन एन लग गया ना एन का मतलब ऑक्सीजन एबसेंट ठीक अब एंड प्रोडक्ट क्या था किसी को याद है प्रोडक्ट प्रोडक्ट था, था प्लस याद आया? ये कहां पे हुआ था ये हुआ था हमारे माइटो में ठीक है माइटो में हुआ था ऑक्सीजन बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और हाइ टू वाटर प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ था याद आ रहा है कुछ ठीक ये चीजें कहाँ हुई थी पाइट्रोकॉन्डिया में हुआ था मसल्स में जो हुआ था वो क्या बना था लैक्टिक एसिड बना था ठीक है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बना था और इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ था ईस्ट में फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस से वो भी एनारोबिक रेस्पायरेशन का पार्ट था तो यहां पे इन प्रोडक्ट क्या है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था और alcohol. Alcohol का मतलब इथेनॉल ठीक है टेक्स टाइम रिलीज एनर्जी बात है जब आपको किसी का वेट करना होगा तो टाइम तो लगेगा अगर आपको किसी का वेट ही नहीं करना है चीजें आराम से स्मूथली फ्लो कर रही हैं तो वहां पे टाइम अब सपोज आपको कहीं जाना है या आपके घर आपको सपोज कर लो कि आपको किसी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाना है उस फंक्शन में जाने के लिए अब आपने किसी कुछ ऑनलाइन मंगवाया था उसका डिलीवरी चार्ज भी बेसिकली उसका डिलीवरी डेट आज ही का है सपोज़ करो आज शाम में आपको फंक्शन में जाना है और डिलीवरी होने का भी टाइमिंग आज ही का है तो आप जब तक इंसान का वेट नहीं बेसिकली जब तक वो डिलीवरी वाला पर्सन आके आपको डिलीवर नहीं कर देगा तब तक आप जा नहीं सकते क्योंकि आपके घर में कोई और है नहीं कि वो उसे इनटेक कर ले तो यहाँ पे भी चीज़ें कुछ ऐसी ही है यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट होता रहता है और ऑक्सीजन के मिलने के बाद भी चीज़ें फिर क्या होती है स्टार्ट होती हैं तो इसलिए ये प्रोसेस कैसी है स्लो है जबकि हमारी एनोरोबिक रेस्पिरेशन की चीज़ें क्या है फास्ट प्रोसेस है ठीक है कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों क्योंकि यहाँ पे तो किसी चीज़ का वेट हो करना ही नहीं है आराम से चीज़ें गए और आ गए तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं एनोरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन बोले ना लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ना है तो चीज़ें आराम से इजीली आपको दिमाग में घुस भी जाएंगी और याद भी करने की जरूरत नहीं होगी वेट कर रहेंगे ऑक्सीजन का तो बेसिकली ऑक्सीजन का जब वेट करेंगे तो वेट करने में टाइम तो कंज्यूम हो रहा है तो इसलिए क्या होगी स्लो प्रोसेस और ये क्या होगी फास्ट प्रोसेस इट प्रोड्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन अब ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन अगर किसी चीज कोई चीज़ ले रहा है इंसान ठीक तो वहाँ पे जब आप कोई चीज़ लोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सेंस क्या या उसकी वैल्यू क्या होगी बढ़ जाएगी तो कुछ ऐसे ही खेल हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन लिया उसने जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस एनर्जी का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है सेलर एस्पायरेशन में आपने पढ़ा है कि एनर्जी का प्रोडक्शन कब हो रहा है जब ऑक्सीजन मिल रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो एनर्जी क्या है लार्ज अमाउंट में मिल रही है लेकिन जब यहाँ पे ऑक्सीजन को वो चाहिए ही नहीं बेसिकली ऑक्सीजन कुछ नहीं चाहिए तो वहां पे एनर्जी क्या होगी कम ही रिलीज होगी एज कम्पेयर टू एरोबिक वाली साइड से एनर्जी दोनों के ही केस में रिलीज होंगी लेकिन एक में क्या होगी फास्ट होगी और एक एक में हाई होगी और एक में लो होगी हो ठीक हाई किस में होगी लो किस में होगी जहाँ पे ऑक्सीजन लग रहा है वहां पे एनर्जी हाई ज्यादा यदि हाई जनरेट होगी और जहाँ ऑक्सीजन नहीं लग रहा है वहां की एनर्जी लो होगी एग्जाम्पल अगर इन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स या हम हो या आप हो हम दोनों कैसे हैं एनरोबिक या एरोबिक ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो रहेंगे कहाँ तो हमारे अंदर क्या हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन और ये क्या होते हैं ईस्ट बैक्टीरिया ह्यूमन मसल्स याद रखना ह्यूमन बींग्स नहीं बोला है ह्यूमन मसल्स बोला है ये सारी चीज़ में क्या होते हैं एनारोबिक आप जब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हो ठीक है बच्चों को आजकल जिमिंग का शौक पड़ा है एक ही दिन जाके पचास पुशअप मार के चले आते हैं उसके बाद रात तक में हालत पशास क्या दस या पंद्रह भी मेरी समझ में आने लगता है बॉडी के मसल्स पेन स्टार्ट हो जाते हैं क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो सारी चीज़ें क्यों होती हैं क्योंकि हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगती थी जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होने लगा है ठीक है तो ये कब होती है जब एनोरोबिक कंडीशन में चीजें आने लगती हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी। अब ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी समझने से पहले आपको ये पैसेज याद रखना है हम सांस कहाँ से लेते हैं नोज से नोज से लेते हैं ना मुंह से तो लेते नहीं है मुंह से लेने का रूल गलत है अगर आप बोलते हैं ना कि अगर आप बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करो और सांसें से से ले रहो तो कभी कभी नाक से खून आने लगता है होता है ऐसा क्यों क्योंकि बेसिकली ब्लड का जो भी सर्कुलेशन ब्लड का पंपिंग बहुत हाई होता है इस वजह से कभी कभी बैकफ्लो हो जाता है ठीक है तो बेसिकली हम नॉर्मल हमारी जो फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो नोज से लिए नोज में क्या नोस्टिल ठीक है नोस्टल से कहाँ गया एयर नेसल चैम्बर में नेसल चैम्बर नेसल चैम्बर से कहा गया फेरिंग्स में फैरिंग्स में फैरिंग से कहा गया लैरिंग्स में लैरिंग से कहा गया ट्रैकिया ट्रैकिया से काई ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल से ब्रोंक्यूल से।, से जाएगा हमारा एलब्यूलाई एलब्यूलाई से कहा जाएगा ब्लड कैपिलरीज ठीक है ये है हमारा फ्लो चार्ट किसका कि कैसे कैसे एयर का पैसेज बना अब आपकी इसमें एक चीज याद रखना है लैरिंग्स को ही बोलते हैं क्या वॉइस बॉक्स हमारी जो आवाज निकलती है वो कहां से निकलती है लैरिंग्स से और ट्रैकिया को बोलते हैं क्या विंड पाइप ये दोनों चीजें याद रखनी है यानी नोज या नॉस्ट्रिल में एयर गई उसके बाद कहाँ ट्रेवल करेगी नेजल चैम्बर नेजल चैंबर से फेरिंग्स देन लैरिंग्स देन ट्रैकिया ट्रैकिया से कहाँ जाएगी ब्रोंकाई ब्रोंकाई से कनेक्ट होगी ब्रोंक्यूर और ये पार्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट है लंग्स में प्रेजेंट है बेसिकली कहाँ तक पहुँचना उसको लंग्स में तो हमारे लंग्स रीजन में ही प्रेजेंट है एल्वोलाई और एल्वोलाई से कहाँ जाएगी ब्लड कैपिलरीज जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा ठीक है अब हम जानते हैं इनका फंक्शन कैसे कैसे चीजें हो रही हैं नोस्ट्रिल एयर टेकन द बॉडी ऑब्वियस बात है बॉडी के अंदर एयर कहाँ से जाएगा नोस्ट्रिल से फिर कहाँ जाएगा नेजल जो कि चैनल है एयर फ्लो थ्रू द नोज ठीक है नोस्ट्रिल के बाद नेजल चैम्बर आता है उसके बाद आएगी नेजल कैविटी लाइन विथ हेयर ठीक है एंड म्यूकस मैमब्रेन ये क्या होते हैं हमारे नेजल कैविटी में ही क्या हेयर और म्यूकस नॉर्मली आप इसको देख सकते हो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है इट वॉर्म्स मॉइस्चराइज एंड फिल्टर एयर बिफोर रीचे टू द लंग ऑब्वियस बात है सिर्फ एयर के साथ एयर तो आ नहीं रही है एयर के साथ क्या आ रहा है डस्ट पार्टिकल्स भी आ रहे हैं तो यहाँ पे ही जो बेसिकली आपके नेसल चैम्बर में हेयर होंगे ठीक है हेयर ही क्या करते हैं फिल्टर आउट करते हैं कि कोई भी डस्ट पार्टिकल बॉडी के अंदर इंटर ना कर दे ठीक है फेरिंग्स इट कंटेन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच इन्शोर्स दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलेप्स ये बेसिकली कुछ ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये इसलिए बनाए गए हैं ऑब्वियसली बात है हमने तो बनाया नहीं है ऑलरेडी भगवान ने हमें ऐसा गिफ्ट किया हुआ है ताकि एयर की वजह से ये कोलैप्स ना एक दूसरे से बेसिकली बिल्कुल सट ना जाए नहीं तो अगर सपोज ये रिंग लैक स्ट्रक्चर ना प्रजेंट हो कार्टिलेज का तो क्या होगा अगर फॉर एग्जाम्पल फैरिंग्स ऐसे कंडीशन के साथ कभी अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ ऐसा हो गया तो नीचे का तो रास्ता ही बंद हो गया और ऐसा अगर हो गया तो इंसान तुरंत खत्म हो जाएगा ठीक है लैरिंग्स नोन एज वॉइस बॉक्स मैनिपुलेट्स पिच एंड वॉल्यूम ठीक है इनका ये फंक्शन है ट्रैकिया नोन एज विंड पाइप कार्टिलीज लूप विच कनेक्ट लैरिंग्स टू द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स ये ट्रैकिया ही क्या है जो कनेक्ट करता है लैरिंग्स और ब्रोंकाई को फिर है हमारा ब्रोंकाई ब्रोंकाई का क्या है दे आर द एक्सटेंशन ऑफ थ्रू द विंड पाइप दैट शटल एयर्स टू एंड फ्रॉम द लंग्स दे आर द मेन पैसेज वे इन टू द लंग्स ये ब्रोंकाई की हेल्प से ही क्या होगा लंग्स तक चीजें यानी लंग्स तक हमारे एयर ट्रांसफर होंगे फिर आएगा हमारा ब्रोंकियोस। ब्रोंकाई गेट स्मॉलर वेन दे रीचेस क्लोजर टू द लंग्स एंड आर कॉल्ड एज ब्रॉन्क्यूज बेसिकली ट्रैकिया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर और ये ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाता है किस में ब्रोंकाई Bronchi और ब्रॉन्क्यूज और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे कन्वर्ट होते जाता है ठीक इसलिए बोला गया है कि जैसे जैसे लंग्स के करीब आता जाएगा वैसे वैसे इनके क्या हो गया सेपरेशन ठीक बढ़ जाते हैं एल्वोलाई विद इन द लंग्स द पैस डिवाइड इंटू स्मॉलर एंड स्मोलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर ठीक है एल्वोलाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ठीक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और आर कॉल्ड एल्वोलाइन एल्वोलाई प्रोवाइड सर्फिस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज्लेस क्वेश्चन आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है तो लंग्स के एल्वोलाई वाले पार्ट में ही एक्सचेंज होता है गैसेस का ठीक है अब जो हमारी ब्लड कैपिलरीज थी ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा अब यहाँ पे अगर हमारे एल्वलाई रीजन प्रेजेंट है ठीक है एल्वलाई वाले पार्ट अगर यहाँ पे प्रेजेंट है इन्हीं के नीचे क्या पाई जाएगी ब्लड की कैपिलरीज पाई जाएगी यहीं से क्या होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहेगा क्योंकि सिर्फ एल्वलाई रीज़न में तो होना ही है उनको जाना कहाँ है बॉडी के हर एक सेल के पास और हर एक सेल के पास पहुँचेंगे कैसे जब तक वो ब्लड में नहीं आएंगे ब्लड ही तो है जो हर एक सेल को क्या कनेक्ट करने का इसीलिए तो कनेक्टिव टिश्यू वो कहला रहा है तो ब्लड के थ्रू क्या होगा ऑक्सीजन अंदर जाएगा यानी ब्लड इसको क्या देगा कार्बन डाइऑक्साइड और एलवोलाइस उसको क्या मिलेगा ओ टू और ये फिर फर्दर फ्लो करना शुरू करेगा और फिर जैसे ही अंदर एयर आया है वैसे ही एयर क्या होगा बाहर जिस पाथवे को फॉलो करके अंदर आया था उसी पाथवे को फॉलो करके वो बाहर भी चला जाएगा ठीक है ये है हमारे एन का ही डायग्राम एयर नेसल कैविटी नेसल पैसेज से अंदर आया उसके बाद कहाँ गया फेरिंग्स में फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में जो कार्टिलेज की एक रिंग है कार्ट उस रिंग के बाद ट्रैकिया ही कन्वर्ट होगा किस में ब्रोंकाई में ठीक है ये वाला पार्ट ब्रोंकाई के बाद कहाँ जाएगा ब्रोंक्यूल में और ब्रोंक्यूल से कनेक्ट होते हुए कहाँ जाएगा एरियोलर सैक या किया एल्वोलाई के पास और एल्वोलाई के नीचे ही आप देखोगे रेड रेड से जो टिश्यूज बने वही क्या हमारे ब्लड कैपिलरीज जहाँ पे एक्सचेंज होगा किसका ऑक्सीजन और सीओ टू के बीच का अब ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में दो प्रोसेस होते हैं एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन इनहेलेशन का मतलब इनहेल करना चीज़ों को अंदर की तरफ इनहेल कराना तो अंदर क्या लेंगे ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन में क्या होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा रहा है एक्सहेल आउट हो रहा है वही कह रहा था हमारा एक्जलेशन अब यहाँ पे जो पूछता है डाया हमारे जो डाया आप फील भी कर सकते हो सांस को कुछ देर रोको ठीक है सांस बाहर करो और कुछ देर रोको आप फील करोगे तो हमारा डाया जो होता है वो डोम शेप का होता है कुछ ऐसा शेप स्ट्रक्चर है आप जब सांस अंदर लोगे प्रेशर बन रहा है इसकी वजह से क्या होगा डाया का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होना यानी फ्लैट होना शुरू होगा ये कब होगा जब आप सांस को अंदर खींचोगे ठीक है इनहेल करोगे ठीक अब जब इनहेल कर रहे हो तो थोड़ा कैविटी क्या होगी बढ़ेगी या, या वॉल्यूम क्या होगा बढ़ेगा या घटेगा ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कुछ जब अंदर जा रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा बढ़ेगा और जब बाहर निकलेगा तो वॉल्यूम कम होगा यही सारी चीजें आपको पढ़नी है इन दोनों के ही मैकेनिज्म में डाया कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैट कब आप देख रहे हो जब आप सांस लोगे तो क्या होगा डायाफार्म सांस अंदर ले रहे हो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का कन्वर्ट हो जाएगा यानी यहाँ पे क्या होगा फ्लैट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस लंग एक्सपेंड ठीक है जो भी वॉल्यूम होगा चेस्ट कैविटी का वो क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा और लंग्स क्या होंगे एक्सपेंड हो, हो जाएंगे यहाँ पे क्या होगा डायाफाम रिलीज एंड बिकम डोम डोमशिप वापस से अपने इनिशियल शेप में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीज चीजें जब बाहर चली गई तो वॉल्यूम कम हो जाएगा लंग्स क्या होंगे कॉन्ट्रैक्ट क्यों क्योंकि लंग्स के एल्वलाई रीजन में जब भरे हैं इन्हेल किए तो क्या हुआ उसमें आप बलून लाइक स्ट्रक्चर में जब हवा अंडर डालोगे तो वहां पे क्या सा होगा एक्सपेंड होगा लंग ऑबियसली बात है बलून लाइक स्ट्रक्चर उसमें हवा आप भर रहे हो तो उसका शेप क्या होगा एक्सपेंड होगा वो, वो बलून रखा कहाँ पे है यानी वो एल्वोलाई वाला पार्ट है कहाँ पे लंग्स रीजन में तो अनफॉर्चुनेटली लंग्स का भी स्ट्रक्चर क्या होगा एक्सपेंड करेगा और जब हवा बाहर निकल गई ठीक है हमने जो भी अंदर लिया था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चीजों को जब बाहर किया तो क्या होगा लंग्स वापस से कॉन्ट्रैक्ट यानी अपने इनिशियल स्टेज में वापस आ जाएगा ये है हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्हेल जब आप करो तो आप देखो डायाफार्म का जो स्ट्रक्चर है पहले तो एक्सलेशन में ही देख लो आप जो रियल स्ट्रक्चर है डाया का वो कुछ ऐसा है डोम शेप जब आप इनहेल करोगे या एक्सहेल करोगे सांस को बाहर बेचअप छोड़ोगे तो ये स्ट्रक्चर पे क्या चेंजेस आ रहे हैं नहीं क्योंकि ये तो इनिशियल स्ट्रक्चर है जैसा वो पहले था वैसा अब भी है क्योंकि सांस तो अंदर गई नहीं हवा अंदर गई नहीं लेकिन जैसे ही आप हवा को अंदर लोगे इसका स्ट्रक्चर इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से क्या होगा इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैट हो जाएगा अब आपका लंग्स आप कैपेसिटी देख लो यहाँ पे चीजें क्या है हवा भर गई तो लंग्स की साइज क्या होगी एक्सपेंड कर जाएगी जबकि यहाँ पे चीजें क्या है हवा जब बाहर गया तो लंग्स की साइज कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो लंग्स की साइज जब कॉन्ट्रैक्ट कर है तो वॉल्यूम तो क्या हो रहा है कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है ऑब्वियस सी बात है कम हो रहा है जब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट यानी चिपक रही हैं आपस में या सिकुड़ रही हैं तो वॉल्यूम क्या होगा कम होगा लेकिन यहाँ के केस में क्या हो रहा है जब चीजें एक्सपेंड कर रही हैं तो क्या होगा वॉल्यूम भी एक्सपेंड हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा ठीक नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एयर रिच इज ब्लड विच कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन हमारे अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है आरबीसी में ठीक है हमारे आरबीसी ब्लड के जो भी सेल्स हैं ठीक डब्लू बी सी प्लेटलेट हमारे आरबीसी रीजन में ही प्रेजेंट है रेड कलर पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन अब वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा ऑक्सीजन इज रिलीज इन एलवोलाइट टिश्यू थ्रू ब्लड वेसल्स ठीक जो भी एलोलाइट टिश्यू से ब्लड कैपिलरीज में हमने ऑक्सीजन भेजा था वो ब्लड कैपिलरीज के आरबीसी वाले रीजन के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन ब्लड एंड डिजोल्व इन कैरीड बाई द ब्लड वेसेज द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन एल्विओलर सैक विच इज सेंट आउट थ्रू द नोस्ट्रल अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम ऑक्सीजन जब गया ब्लड कैपलरीज के पास पास तो बेसिकली वहाँ पर क्या होगा कि हमारे ऑक्सीजन बाइंड कर लेंगे आर बी सी के हीमोग्लोबिन के साथ लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या वो भी बाइंड करेगा नहीं वो बाइंड नहीं करेगा क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ही बाइंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाइंड करना शुरू कर दिया तो इंसान ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा ठीक है देखते हैं आगे क्या होता है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट इज अकर्ड थ्रू स्टोमेटा लेंटिकस एंड जनरल सरफेस आफ्टर रूट ठीक है रूट के जनरल सरफेस अब बेसिकली प्ला हमने ह्यूमन का केस तो देख लिया ह्यूमन के पास नॉस्ट्रल प्रेजेंट है फेरिंग्स प्रेजेंट है लैरिंग्स प्रेजेंट है लंग्स प्रेजेंट है ये सारी चीज़ें हैं लेकिन प्लांट के पास ये रेस्पायरेशन कैसे होता है तो प्लांट के पास प्रेजेंट होते हैं क्या स्टोमेटा एक तो वहाँ से होता है दूसरा उनके जो भी बार्क रीजन है या जो भी स्टेम रीजन है वहाँ प्रेजेंट होता है लेंटिकल्स दूसरा गैशस एक्सचेंज वहाँ से वो कर सकते हैं और तीसरा उनके जो रूट होते हैं सॉयल के अंदर जो रूट हैं उनके जो नॉर्मल सरफेस एरिया है वहाँ से भी वो अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं ठीक है ये सारी चीज़ें किसके होती हैं प्लांट की आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है पहला तो ह्यूमन के केस में जो हमारे आर बी सी हैं आर बी सी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का क्या काम है ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के अपने साथ जोड़ना ठीक अब ऑक्सीजन को वो जोड़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो भेजना है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर खासियत ये है कि वो डिज़ोल्व होते रहते हैं वो पानी में भी डिज़ोल्व हो सकते हैं ठीक तो वो हमारे ब्लड में ऐसे ही नॉर्मली फ़्लो करते रहते हैं और जब ऑक्सीज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है तो वो क्या होते हैं बेसिकली एक्सचेंज होकर बॉडी से बाहर चले जाते हैं ये सारी प्रोसेस होती हैं आपने कभी सोचा है ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है अभी कोविड का जब पीरियड चल रहा था इनफैक्ट कोविड का खतरा अभी भी हंड्रेड परसेंट नहीं गया है अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस आपको देखने को मिल जाते हैं लेकिन जब ये पीक पे था यानी 2020 आई थिंक वहाँ पे क्या था ऑक्सीजन की तुरंत तो ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी बॉडी में तो ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ रहा था तो वहाँ पर होता क्या है कि हमारे हीमोग्लोबिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंडिंग शुरू कर दें इनफैक्ट हीमोग्लोबिन करना किसके साथ चाहते हैं बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हीमोग्लोबिन जो है वो थ्री टाइम्स ज़्यादा किसके लिए बेसिकली थोड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं वो कार्बन के लिए ज़्यादा वो हमेशा ही बाइंड करना चाहते हैं कार्बन के साथ स्पेशली कार्बन के साथ ठीक है अगर वो कार्बन के साथ बाइंड करना शुरू कर दें तो इंसान धीरे धीरे करके हद से हद दस से पंद्रह मिनट उससे ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर सकता लेकिन हमारे नेचर ने ऐसा कुछ रूल रखा है सोचो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के कं जो भी कंट्रीब्यूशन है उससे कम है या ज़्यादा है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ज़्यादा है ठीक है इसीलिए यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑक्सीजन की अगर मात्रा बॉडी में कम होने लगती है तो स्किन क्या होने लगती है नीली पड़ना शुरू हो जाती है वो नीली क्यों पड़ने लगती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है और अगर वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना शुरू कर दिया तो इंसान को बचा पाना बहुत रिस्की हो जाता है टाइम से अगर ऑक्सीजन मास्क वगैरह नहीं प्रोवाइड करा गया तो वो बच नहीं पाएगा ये सारी चीजें होती है के टाइम ठीक है इसी के साथ हमारा जो रिस्पायरेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो यहीं खत्म होता है नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे हमारा सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन क्यों कहा गया है ह्यूमन में होता है हमारे ह्यूमन बेसिकली ह्यूमन बींग्स में फोर चैम्बर हर्ट पाए जाते हैं लेफ्ट आर्टरीज लेफ्ट वेंट्रिकल राइट आर्टरीज राइट वेंट्रिकल ठीक है ऐसी चीजें होती हैं तो बेसिकली यहाँ पे ये जो सारे चार चैंबर हर्ट हैं किस में ट्राइक स्पीड वॉल्व है किस में बाइक स्पीड वॉल्व है सर्कुलेटरी पार्ट से आपके अकेले दो से तीन क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्यों कहा गया पहला क्वेश्चन तो यही अराइज़ होता है डी ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है कौन लेके जाता है आर्टरीज़ का काम क्या है वेंस का काम क्या है आर्टरीज और वेंस के बीच का डिफरेंस क्या है ये सारी चीज़ें इससे क्वेश्चन बनता है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे लेकिन तब तक के लिए आप एन के क्वेश्चन सॉल्व करो और आसान बहुत आराम आराम से चीज़ों को डील करने की कोशिश करो माइंड मैप के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो कि अगर एग्ज़ाम में कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें करना कैसे ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू